हेलो गाइस, आज से मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको मूवीज और वेब सीरीज में से लाइफ लेसन बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको थैनोस का लाइफ लेसन बताने वाला हूँ। तो बिना चुटकी बजाए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन। थैनोस अपने गोल पे डिटरमाइन था कि उसे इन्फिनिटी स्टोन हासिल करना है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके एंड उसके गोल के बीच कौन आएगा। उसका पूरा फोकस उसके पर्पस को सर्व करने पे था। थैनोस के पास क्लियर विजन था कि उसे क्या चाहिए एंड वो पूरा फियरलेस था उसे अचीव करने के लिए। इतना फियरलेस कि पूरी यूनिवर्स उसके अगेंस्ट था तो भी वो डरा नहीं। सेकंड, पेशेंस एंड कामनेस। यस, थैनोस ने प्रूव किया कि पूरी उसकी स्ट्रगल में वो पेशेंस एंड काम था। वो पूरी तरह से फोकस था एंड उसके पास प्रैक्टिकल थॉट्स थे उसके गोल के लिए, और उसने अपनी इमोशंस की वजह से अपने आप को कभी डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। नो वंडर हम इस नल्ले को क्यों हेट करते हैं, बट उसकी वजह से हमें एंड गेम मिली। लेकिन अगर वो उस मोमेंट पर काम और पेशेंस रहता तो हम हमारे फेवरेट टोनी स्टार्क एंड एजन रमोना को नहीं खोते। लव यू 3000। नंबर 3, सैक्रिफाइस कम्स बिफोर सक्सेस। हम सभी को सैक्रिफाइस देना है। थैनोस ने भी यही किया। उसने वो सैक्रिफाइस किया जो वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, गमोरा, उसकी बेटी। वो जानता था कि उसे क्या सैक्रिफाइस करना है और उसने इसके लिए कभी हेजिटेट नहीं किया। वो वहाँ से सिंपली जा सकता था एंड गिव अप कर सकता था, पर उसने नहीं किया। ये हमें क्लियरली शो करता है कि वो जो चाहता था उसके साथ वो कितना स्टर्डी था। नंबर 4, ए विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट हेलुसिनेशन। थैनोस के पास उसका क्लियर एंड डिस्टिंक्ट प्लान था। इमेजिन करो, अगर थैनोस ये प्लान करता कि माइंडस्टोन से पहले वो टाइमस्टोन लेने जाता तो शायद वो थॉर से मारा जाता। बिकॉज इवन द ग्रेटेस्ट पावर फेल अगेंस्ट अ वाइज प्लान। अपने कहा सुनी होगी वॉरेन बफे की, ए इडियट विद अ प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। इन्हें हमें बताता है कि लाइफ में चीजों को प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स डोंट वर्क ऑन दिस वीडियो। थैनोस ने लोगों के लिए एक बेटर लाइफ के लिए एक पीसफुल एंड रिसोर्सफुल यूनिवर्स का सपना देखा था और उसने इसे पूरा करने के लिए उस पर काम किया। थैनोस ने विश्वास किया कि उसके सारे स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस एंड एफर्ट्स वर्थ इट है। उसने विश्वास रखा था कि वो बीच रास्ते में गिव अप नहीं करेगा। उसने अपना 100% दिया एंड हमें हार्डवर्क का रिजल्ट दिखाया। हमें क्लियर है कि किसी चीज को पाने के लिए जितना एफर्ट एंड हार्डवर्क किया जाता है